वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट। और अब हम लोग शुरू कर रहे हैं अब सिर्फ दो टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे इस वीडियो में। पहला टॉपिक है डुअल नेचर और दूसरा टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, ये दोनों क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एंटर करने से पहले लास्ट दो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स, तो हम ये कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन आने के चांसेस इस टॉपिक से बहुत 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 ज्यादा है, खास करके केमिस्ट्री का। जब भी आप पेपर देने जाते हो, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी एग्जांपल्स और एनसीईआरटी पैक कंप्लीट करनी पड़ेगी, एग्जांपल तो कम से कम, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जांपल से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हाइजेनबर्ग। सबसे पहले डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर जो है, आप लोग जो पीछे बोल रहे हैं मैं बाहर निकाल दूं अच्छा रहेगा। डुअल बिहेवियर जो है वो दिया गया था बाय डी ब्रॉगली। बाय डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट था और उसने बोला कि हर कोई मैटर जो है उसमें दो प्रॉपर्टीज होती है, पार्टिकल लाइक और वेव लाइक। पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी को या पार्टिकल लाइक कैरेक्टरिस्टिक को उसने बोला कि ये जो है इसे हम कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं? मोमेंटम। और वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक को उसने बोला कि इसको हम कहते हैं वेव लाइक। मोमेंटम को मैंने एमवी लिखा है, उसने पी बोला था, बात वही है, पी इक्वल टू एमवी होता है। ठीक, अब पार्टिकल लाइक और वेव लाइक उसने बोला कि जिसकी पार्टिकल लाइक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका वेव लाइक कैरेक्टर बहुत कम होगा, और जिसका वेव लाइक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका पार्टिकल लाइक कैरेक्टर बहुत कम होगा। उसने बोला कि पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और उल्टा कर देता हूं मैं इसे, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। पी इज क्या? मोमेंटम। ग्राफ बनाने को अगर कोई बोल दे तो लैम्डा और पी का, इसी चीज को उसने बोला, अगर पी है तो पी को एमवी भी तो लिख सकता हूं। उसने बोला इसको इक्वेट करने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, और वो कांस्टेंट वही हमारा जाना पहचाना कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आपको बताया क्या, 6.63 × 10⁻¹¹। लैम्डा वेवलेंथ, एम मास, बी इज द, अगर स्टेट करने को आएगा तो क्या स्टेट करोगे कि हर मैटर में दोनों चीजें होती हैं, पार्टिकल लाइक वेव लाइक कैरेक्टर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक, याद रखना ये जो टॉपिक है, इतना सही दिख रहा है आपको, ये टॉपिक इलैबोरेट होके 12th क्लास में फिजिक्स में 6 नंबर का चैप्टर बन जाता है, उसका नाम है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ठीक है, तो आपको बेसिक आइडिया होगा तो आप उसमें एडवांस में जा सकते हो, बट अभी फॉर केमिस्ट्री 11th क्लास इतना काफी। दूसरी चीज है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी है, तो प्रिंसिपल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, इट इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट। एक ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी मोमेंटम और पोजीशन एग्जैक्टली आप बता नहीं सकते, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी, मतलब 100% परफेक्ट नहीं रहेगी ही रहेगी। उसने बोला कि डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी है इन वेलोसिटी, सॉरी पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी जो कि हम एम डेल्टा पी भी कह सकते हैं। मैंने मास के आगे डेल्टा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मास जो होता है वो चेंज नहीं आता, कांस्टेंट, वो होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसने कहा इन दोनों में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, तो इनका जो प्रोडक्ट है डेल्टा एक्स डेल्टा पी का वो कांस्टेंट रहेगा h/4π। अब पी की जगह पे मैं ये वाला फॉर्मूला कभी यूज करने को नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं कि एम बी लिख दो और डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा बी आ जाएगा h/4π। इसको और अच्छे से बोलूंगा तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी आ जाएगा h/4πm। अब क्योंकि ट्रिक लेनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना है जल्दी में, तो h/4π की वैल्यू आपको लिखनी है 1.05 × 10⁻³⁴ सीधा h/4π की डायरेक्ट वैल्यू होगी अपॉन एन डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा। डायरेक्ट वैल्यू आप ये रख सकते हैं फॉर एमसीक्यूज, अदरवाइज टीचर को बताने के लिए ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों टॉपिक पे आप लोगों की बुक में मैं बार बार आपको हर
वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन से क्वेश्चंस इन टॉपिक पे डिपेंडेंट है। एक दो क्वेश्चन मैं पहले टॉपिक की करा रहा हूँ और दूसरे टॉपिक का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर हम चलते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला क्वेश्चन है एग्जाम्पल, अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक है, एग्जाम्पल नंबर 12 से 12, 13, 14, 15, 16 पांच एग्जाम्पल्स हैं जो इन दोनों टॉपिक पे आपकी एनसीआर के इधर। What will be the wavelength of a ball of mass, mass दे दिया 0.1 kg और velocity दे दी 10 meter per second, 10 meter per second wavelength पूछिए बेटा। Mass velocity wavelength का कोई relation है, कोई formula है, कौन सा? Lambda equal to 6.63 × 10⁻³⁴, h क्या है? Sorry h आ गया, m क्या है? 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सेम वही रहेगा, 1 आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू होती है मीटर, क्या होती है? मीटर। आंसर सिंपल है, 0.1 को 10 से मल्टीप्लाई करा, 1 आ गया, नीचे अपॉन में मल्टीप्लाई करो, कुछ पता नहीं पड़ता, आंसर सिंपल है। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टेक्निकल है, बच्चों ने टेक्निकल लगता है, ये एग्जांपल 12 था, एग्जांपल नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 9.1 × 10⁻³⁴ kg, अगर आपने वीडियो नंबर 1 देखी है तो उसमें ये कर रखा है हमने, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 3 × 10⁻²⁵ जूल्स। पूछा है कैलकुलेट द वेवलेंथ, क्या पूछा है? कैलकुलेट द वेवलेंथ। बेटा लैम्डा के लिए वेवलेंथ निकालने के लिए मास और वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी कोई रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। आपके पास रिलेशन है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच है हमारे पास, एम है हमारे पास, वी निकाल, क्या निकाल है? वी। अगर मैं वी निकाल दूं तो मैं यहां पुट करके वेवलेंथ निकाल सकता, तो बस इतना करना है आपको कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, हां है ना, 3 × 10⁻²⁵ एम वी स्क्वायर कितना हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, मास से इसको इधर ले गए, वेलोसिटी का स्क्वायर निकालेंगे 6 × 10⁻²⁵, और मास कितना दे रखा है, मास नीचे जाएगा डिवाइड में, कितना दे रखा है 9.1 × 10⁻³⁰, इसको काटेंगे ऊपर जाएगा ये 6/9 को सीधा काट दो और लिख दो 2/3, वैसे 6.9/1 है पर 2/3, 10⁻⁶ बचेगा इधर, कितना बचेगा नीचे, ऊपर चढ़ के V की वैल्यू आ जाएगी 2/3 जो होता है बेटा 0.67 होता है, कितना होता है 0.67 × 10⁶ का रूट, क्योंकि वैसे सिंपल है 10⁶ जो भी रूट रूट में पावर होती है 10 की वो आधी निकल जाती है, 10⁶ से तो आधी बाहर आ गई, 0.67 का रूट निकालेंगे बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आपको इसलिए बता रहा हूं 0.82 होता है 8 का रूट, ठीक है, तो 0.82 आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 812 मीटर पर सेकंड। मुझे तो याद है आंसर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आता तो ये अच्छी बात है कि आपको भी याद हो चुका जी, 0.67 का 0.82। हाँ जी, आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो पॉइंट में 0.82 आ जाता है, पॉइंट में जब वैल्यू होती है जैसे कि आपने 0.5 का स्क्वायर करा क्या होता रहता, 0.25 और छोटा हो जाता है, ठीक है, तो 0.67 का जब स्क्वायर करा होगा और छोटा, ओके, ओ 0.8 का स्क्वायर कराओगे और छोटा होगा 0.64 होगा, 10³ बेटे से मल्टीप्लाई होगा 812 आ गया, 0.812 × 10³, 812, ठीक है, 812 है, 821 नहीं, ठीक है, ये आ गया डन, वेलोसिटी आ गई, फॉर्मूले में अब पुट करो आंसर आ जाएगा। पर इसमें क्या तरीका था कि पहले काइनेटिक एनर्जी से वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी वरना सॉल्व नहीं हो सकता, ठीक है, अगर वैल्यू सेम नहीं रखी है तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, बट अगर वैल्यू चेंज आ गई तो भी परेशान होने की बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं, हो जाएगा, ठीक, पता? ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, ये दोनों एग्जांपल्स हैं आपके ट्वेल्व बी के, एक क्वेश्चन में करा रहा हूं आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, और वो क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 16 वो निकालनी पड़ेगी आपको, मैंने कहा वो यूज कर लेना निकाल, मैं आपको सिर्फ कोटिंग बता रहा हूँ, सॉल्व आप कर लेंगे। एग्जांपल नंबर 16 बोल रहा है गोल्फ बॉल है, मास उसका 40 ग्राम है, ध्यान रखना है जितना भी ग्राम में दे रखा हो 1⁻³ करके केजी बताओ, ठीक, ऐसे में डाल
वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 45 मीटर पर सेकंड, और कह रहा है स्पीड में एक्यूरेसी 2% है। एक्यूरेसी कितनी है? 2%। जब भी ऐसे एक्यूरेसी वगैरह कुछ दे देंगे तो इसका मतलब इससे डेल्टा भी नहीं है। 2% ऑफ परसेंट मतलब अपॉन 100 ऑफ 45 सॉल्व करके 0.9। बस यही मेन ट्रिक है कि आपने बी से डेल्टा भी निकाला। बच्चा क्या करता है, डेल्टा भी 45 कर देता, 2% ऑफ 45 है डेल्टा। ठीक, किधर आ गए, आपको निकालना है डेल्टा एक्स। क्या निकालना है? डेल्टा एक्स। कोई डेल्टा भी डेल्टा एक्स का फॉर्मूला? यस सर। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, 0.53 × 10⁻³⁴। टीचर को पहले पूरा दिखा देना बेटा, ये फिर सॉल्व करना मत, वरना टीचर के की क्या ट्रिक लगा रहा है, वो परेशान हो जाएंगे क्योंकि ये कहां से आ गया। तो एक बार दिखा देना टीचर, मास कितना है 40 N³³ और डेल्टा वी भी तो नीचे आएगा, आया ना? डेल्टा वी कितना है? माइनस से काटो माइनस 31 बच गया, पावर हटाया करो उसमें। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? यहाँ पे एक ही है ना, पॉइंट हटाओ तो एक जीरो लगा दो, तो इसका जीरो और इसका जीरो ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर कितना बचा 53, माइनस 31 है, दो जीरो ऊपर और लेके कितने हो गए माइनस 13 और 49 का 36 डिवाइडेड बाय 53 कितना 1.4 कुछ आएगा, मुझे तो याद ही है सही ना, 1.46 है। आप करके देख लेना 10⁻³ मीटर डेल्टा, समझ लो कैसे सॉल्व करना है। शॉर्ट करने के लिए सबसे पहले पावर अटैक करो, फिर पॉइंट अटैक करो, और फिर बस ऊपर नीचे, ऊपर वाला नंबर नीचे से हल्का ज्यादा होना चाहिए हमेशा, आंसर सही है। ठीक, एमसीक्यू आएगा तो 1.4 लिखते ही खत्म कर देते हैं, वहीं पे टिक कर देते हैं, पावर सही देख लेना। एमसीक्यू में कभी कभार क्या होता है 1.46 के चार आंसर है, पावर अलग है, तो जैसे आपकी पावर सही आई खत्म, मत आपको सॉल्व नहीं करना, पावर डी ढूंढनी है। तो एमसीक्यू में ढूंढने का तरीका है कि कैसे कैसे पावर, अगर हाँ पावर आगे पीछे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एमसीक्यू में आपको ट्रिक करने के लिए क्या देंगे, 14.6 × 10⁻³⁴, ये तो गलत है, और 14.6 × 10⁻³², बताओ सही आंसर क्या। ठीक है, मैं −34 है, ये रह जाएगा −33, ये हो जाएगा आपके आंसर से। अब आपको पावर कही थी भैया ने तो नहीं, पावर तो कही थी भैया ने, बट इधर चेक कर लेना पॉइंट भी कहां पे, क्योंकि आपका सिग्निफिकेंट फिगर में उसने आंसर सिग्निफिकेंट में दे ही नहीं रखा, इतनी सी बात पे आंसर गलत हो जाता है। बाकी वैसे टेंशन नहीं है, बट ये छोटी छोटी गलतियों से ज्यादा बुरी लगता है यार, आते हुए क्वेश्चन गलत करते। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन मैंने अभी देखा है 0.027000, कह रहे हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लगो साइंटिफिक नोटेशन। तो पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है पहले नॉन जीरो, पहले नॉन जीरो क्या 2, उसके बाद शिफ्ट करना है 1, 2 शिफ्ट किया, क्या बताया गया था, जितना शिफ्ट करोगे राइट में उतना नेगेटिव 10⁻²। बच्चे ने 2.7 × 10⁻²² लिखा, ये गलत है, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, 2 है। इतनी सी पॉइंट पे एक नंबर पूरा गया नहीं, बट सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद अगर नंबर है तो सिग्निफिकेंट फिगर गिना जाता है, यही बात है ना, ये इतनी सी पॉइंट में नंबर एक गया है। और यही अगर जेई और नीट का क्वेश्चन हुआ तो इतनी सी पॉइंट में 5 नंबर गए, 4 जो मिलने वाले थे एक एक्स्ट्रा कट गया। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है आंसर्स में, बाकी सब आप कर लोगे। ये आपका वीडियो नंबर 4।